स्टूडेंट वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। माय नेम बिंदु पंड्या। टुडे आई एम टीच यू स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 10 कौन सा है? क्योजिमल और कैसे केसरिया। तो बच्चों ये मैंने आगे आपको स्टोरी सुनाई थी और आज हम उसकी एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। तो आपको नोटबुक में कंपलसरी उसकी एक्सरसाइज सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपको हेडिंग लगाना है आपकी नोटबुक में और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। फर्स्ट है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो बच्चों आपको स्टोरी मालूम है, गुरुजी क्या लेके जा रहे थे थैली में? गुरुजी थैली में गेहूँ पिसवाने के लिए जा रहे थे। क्या पिसवाने के लिए? गेहूँ। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है। दूसरा है, क्योजिमल और कैसे केसरिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे? तो आपको बच्चों स्टोरी मालूम है, क्योजिमल और कैसे केसरिया ये दोनों में क्यों भटक जाए, क्योंकि दोनों को एक आदत थी बात बात में क्या बोलते थे, क्यों और कैसे। आंसर है, क्योंकि इन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न में कभी कभी खत्म ही नहीं होगी, ये दोनों बात बात में वो ही बोलते थे। तीसरा है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी? आंसर है, क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी गेहूं की थैली इतनी दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। चौथा है, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। तो बच्चों हम रोटी को अलग अलग नाम से जैसे यहाँ मैंने बताया है आंसर में, फुलका, चपाती और पराठा। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। 5, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हो? आंसर है, हमारे घर में आटा सानने के लिए आटा गूंथना कहते है। गुरुजी बाजार किस पर जा रहे थे? आंसर है, गुरुजी बाजार साइकिल पर जा रहे थे। यहाँ लिखना है जा रहे थे, ये रॉन्ग लिखा है, यहाँ आपको ऐसे लिखना है। तो बच्चों ये रहे हमारे 6 क्वेश्चन आंसर, आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद हमारे है दूसरा, जोड़े मिलाओ। क्या है दूसरा? है जोड़े मिलाओ। यहाँ दो पार्ट है, अ और ब। हमें क्या, पूरी पकोड़े, रोटी, चावल, सब्जी, चिप्स। ब में क्या है? सेकी जाती है, छाने जाती है, तले जाती है, उबाला जाता है, छेकी या भुनी जाती है। तो बच्चों यहाँ से आपको उसके सामने क्या करना है, मैच करना है। जैसे फर्स्ट है पूरी पकोड़े, तो आपको क्या करना है, उसके सामने छाने जाते हैं, तो उसके सामने आपको मैच करना है। दूसरा है रोटी, आप रोटी को कहाँ करोगे, रोटी को क्या करते हैं, सेकी जाती है, तो उसके सामने आपको मैच करना है। चावल, तो चावल को किसके सामने मैच करना है, उबाला जाता है। सब्जी, छेकी और भुनी जाती है। चिप्स, तले जाते हैं, तो ऐसे आपको उसके सामने मैच करना है। ये है हमारे दूसरा क्वेश्चन, जोड़े मिलाओ। आपको नोटबुक में दो पार्ट बनाने हैं, अ और ब, और दोनों पार्ट में आपको यहाँ मैंने जो फाई है हमारे और उसके सामने भी फाई है ब में, तो उसके सामने आपको मैच करना है। तो एक बार फिर से देख लो, और आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आपके मोबाइल में आप उसका पिक भी ले सकते हो, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज है और आपको एक कंपलसरी आपकी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है,
शब्दों के अर्थ लिखो, तो आपको शब्दों के अर्थ लिखना है। हमारा फर्स्ट है मौका, तो उसके सामने क्या लिखना है, ठीक समय, क्या लिखना है, ठीक समय। दूसरा है भूले, तो भटके। दूसरा है गुमराह। तीसरा है मुलाकात, तो जान पहचान। जवाब समाधान। फुर होना, तो भाग जाना। ये रहे हमारे शब्दों के अर्थ, उसके सामने आपको उसके अर्थ लिखना है। तो फिर से एक बार बोल दूँ, मौका तो ठीक समय, दूसरा है भूले तो भटके गुमराह, तीसरा है मुलाकात तो जान पहचान, चौथा है जवाब तो समाधान, पांचवा है फुर होना तो भाग जाना। उसके बाद है अ, पढ़ो समझो और लिखो। आपको पढ़ना भी है, समझना है और लिखना भी है आपकी नोटबुक में। हमारा क्वेश्चन है फॉर, और आपको अ करके आपको ए हेडिंग लिखना है, पढ़ो समझो और लिखो। फर्स्ट है पीसना, तो उसके सामने है पिसवाना, क्या लिखा है मैंने आंसर, पीसना, तो उसके सामने क्या लिखा है, पिसवाना। पीटना, तो पिटवाना। जितना, तो जिताना। रंगना, तो रंगवाना। पढ़ना, तो पढ़ाना। तो आपको शब्द पढ़ना भी है, समझना भी है और लिखना भी है, ओके। उसके बाद है ब, शब्द पूरे करो। यहाँ जो आधे शब्द है जिसके आगे आपको जो ब्लैंक्स दिया गया है, तो आपको ये ब्लैंक्स आपको पूर्ण है। यहाँ मैंने ऑप्शन भी दिया है ब रू, यहाँ टी लिखा है, जा गे और ऐसे आगा आधा स लिखा है। तो यहाँ आपको जो सेंटेंस आधा है शब्द हमारे, तो इनमें से आपको ब्लैंक्स में लिखना है। जो जैसे मैंने यहाँ ब्लैंक्स है या हुए, तो आगे आपको लिखना है गे हु। दूसरा है न म, यहाँ ब्लैंक्स है और पीछे लिखा है ते, तो यहाँ पूरा आधा स लिखा है, तो ऐसे हो जाएगा नमस्ते, पूरा शब्द आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद है बा, यहाँ ब्लैंक्स लिखा है जा, पीछे लिखा है र, तो बा जा र। जो हमारे शब्द है ये पूरे नहीं है, आधे है, जहाँ ब्लैंक्स है यहाँ आपको ब्रैकेट में से देख के वो पूरे लिखना है। यहाँ रो, यहाँ खाली जगह है, ऊपर देखना है, यहाँ टी लिखना है, रो टी। गु रू जी, यहाँ आपको लिखना है रू, यहाँ ब्लैंक्स में दिया है। न म क, यहाँ आपको बीच में लिखा है म, तो जहाँ आधा शब्द है यहाँ आपको पूरा लिखना है। तो ओके बच्चों, तो आपकी नोटबुक में आपको ये एक्सरसाइज सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, ओके। थैंक यू।